नंद बाबा और यशोदा के यहां ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ। देवकी वसुदेव के यहां कारागृह में जब जन्म हुआ ठाकुर जी का, जन्म लेते ही ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि आप हमको ले जा करके यशोदा मैया के यहां छोड़े आओ और वहां से बालिका को ला करके कंस को दे देना, क्योंकि भगवान तो जन्म लेते ही मारने वाले थे कंस को। लेकिन देवकी मैया ने प्रार्थना की कि महाराज, मेरे 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, मैं किसी भी पुत्र को अपने पयोधर का पान नहीं करा पाई, कृपा करके आप छोटे बालक बन के मुझे वो सुख दीजिए जो एक बालक अपनी माँ को देता है, मेरे पयोधर का पान करो। हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे नाना जी कहते थे, लाला ये सब देखो भाव हैं, मैंने कहा ना वक्ता अपने भाव प्रकट करता है। नाना जी कहते थे, लाला ये 6 बालक कंस ने नहीं मारे, ये 6 बालक अपने आप ही मर गए। मैंने कहा क्यों नाना जी? बोले भाई देखो, बालक का जन्म होता और जैसे ही जन्म होता बालक आंख खोल करके देखता मेरा जन्म कहां हुआ है, तभी वो जैसे ही देवकी वसुदेव को देखता तो मन में विचार करता, अरे ये देवकी हैं, इनके गर्भ से भगवान जन्म लेंगे। तो जैसे ही देवकी अपने पयोधर पिलाने के लिए बालक को समीप लाती तो बालक मन में विचार करता, अभी मेरे बाद ठाकुर जी का अवतार होने वाला है और ठाकुर जी भी इसी पयोधर का पान करेंगे जो देवकी मैया मुझको पिला रही है। तो बालक के मन में भाव आ जाता है कि अपना उच्छिष्ट मैं ठाकुर जी को नहीं दे सकता, मैं अपना झूठा दुग्ध, झूठा पयोधर ठाकुर जी के मुख में जाए ये मुझे स्वीकार नहीं होगा। इसलिए कहीं भगवत भाव में कोई अपराध ना बन जाए, इसलिए बालक पयोधर देखते ही अपने प्राण त्याग देते थे। बोले नहीं, पहले ठाकुर जी इसका भोग लगाएं तब हम स्वीकार करेंगे। इसलिए 6 बालक जो थे वो माँ के पयोधर पान ना करने की वजह से प्राण त्यागते थे। और भागवत में वर्णन आता है जब भगवान द्वारिकाधीश बन गए, एक दिन देवकी मैया ने लाला से कही, लाला तू भगवान है? भगवान बोले, किसने कह दिया आपसे? बोले मुझे पता लग गई है लाला तू भगवान है। ठाकुर जी बोले, मैया भगवान है तो फिर कुछ मांगो। बोले मुंह को मेरे 6 बालक वापस कर दे, जो 6 बालक कंस ने मार दिए वो 6 बालक वापस कर दे लाला। तब भगवान ने अपने ज्येष्ठ 6 भ्राता जिन्होंने प्राण त्याग दिए थे उनको ला करके देवकी मैया को प्रदान किया, तब मैया ने उनको अपना दुग्ध पान कराया। ये तो भागवत में कथा आती है। तो देवकी के 6 बालकों को कंस ने मारा, ये तो एक सामान्य बात है, लेकिन वक्ता का भाव कहता है कि बालकों ने प्राण खुद ही त्याग दिए। क्यों? कहीं हमसे अपराध ना बन जाए कि हम उच्छिष्ट ठाकुर जी को दें। जब 8वें संतान के रूप में भगवान आए तो भगवान सुदर्शन चक्र लेके आए, बोले अभी मामा को मार देंगे। देवकी मैया बोली, आप छोटे बन जाओ, मुझे वो सुख दो जो एक बालक अपनी माँ को देता है। तब भगवान बोले, तो फिर हमको बड़ा होने में समय लगेगा मैया, बालक तो हम बन जाएंगे लेकिन फिर दोबारा हमको ऐसा बनने के लिए आपको हमको वृंदावन भेजना पड़ेगा, गोकुल में जाकर के जब हम माखन मिश्री खाएंगे बढ़िया हिष्ट पुष्ट होके आएंगे तब मामा को मारेंगे। तब भगवान बालक बने और माँ का पयोधर पान करने के बाद वसुदेव जी उनको लेकर के गोकुल पहुंचे। गोकुल में जाकर के सोई हुई यशोदा मैया के बगल में कन्हैया सुला दिए, लाली ला करके कंस को दे दिए। कंस ने उस बालिका को जैसे ही पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और कहने लगी, अरे दुष्ट कंस, तू जिससे बचना चाहता है उसने तो जन्म ले लिया, तेरा काल, तेरा शत्रु, उसका जन्म तो हो गया। कंस बोला, माताजी एड्रेस बता दो, कहां हुआ है? बोले यत्रत्ववा, एड्रेस नहीं बताएंगे, लिया ब्रजमंडल में ही कहीं पर है लेकिन कहां लिया है ये नहीं बताएंगे। तो कंस ने यहां पर अपने राक्षसों की सब सेना बुलाई और यहां ब्रजमंडल में सब आनंद मना रहे हैं। बंधुओं, भागवत में इतना सुंदर वर्णन किया गया है नंदोत्सव का,
नंद बाबा को जैसे ही पतो चली कि भैया मेरे लाला भयो है, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। 80 वर्ष के हैं नंद बाबा। पूरे ब्रजमंडल में नंद बाबा ने हवा की तरह बात फैला दी। सब ब्रजवासियों को ऐसा नहीं लग रहा है कि नंद के लाला भयो, सबको लग रहा है हमारे लाला भयो। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं और सब मैया को बधाई दे रहे हैं। ओ जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना, हाँ तेरो ललना महारानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हो बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो, बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन ओ, बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो, बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो। कैसो सुत? पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेन गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेन गोद खिलायो। अरे हाँ जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। या को मगवा दे पलनवा तेरो ललना, या को मगवा दे पलनवा तेरो ललना। कह के बोले धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, हाँ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में।
सब ब्रजवासी आनंद मना रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। भागवत में तो वर्णन है कि 6 महीने कब बीत गए ब्रजवासियों को पता नहीं चला। अवाद्यंत्र विचित्राणि वादत्राणि महोत्सवे। देखो बंधु एक बात कहें, दो प्रकार के नृत्य होते हैं। एक नृत्य होता है कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं, और एक नृत्य होता है कि आनंद की चरम सीमा उत्पन्न हो जाती है और फिर हम कुछ विचार ना करें और फिर नृत्य करें। ये दो स्थिति होती है। महादेव का नृत्य कैसा है? महादेव बैठे रहते हैं कैलाश में, लेकिन नेत्र बंद करके नंद बाबा के महल में दर्शन करते रहते हैं। जैसे ही लाल जी कोई विशिष्ट लीला करते हैं, वहां पार्वती आदि सब शिव परिवार के लोग सब हाथ जोड़ के खड़े हैं, कोई नैवेद्य लेके खड़ा है, सब पूजना अर्चन कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। लेकिन यहां महादेव को जैसे ही आनंद आने लगता है उत्सव में, तुरंत महादेव नृत्य करने लगते हैं, आनंदित हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। ब्रजवासियों का आनंद ऐसा ही है। नंद घर आनंद भयो, नंद घर लाला भयो, कृष्ण भयो, ये सब नहीं कहते, आनंद भयो। ब्रजवासी सब आनंदित हैं, सब अपने देहाभिमान से शून्य हो गए हैं, किसी को भी अपने देह की सुध नहीं है। हम कहां बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किसी को कोई। यहां पे तो इतना सुंदर वर्णन करते हैं श्री वेदव्यास जी महाराज। वर्णन करते हुए कहते हैं कि भैया अवाद्यंत विचित्राणी वादत्राणी महोत्सवे। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। बोले ढोल नगाड़े तबला ये सब तो बज ही रहे थे, लेकिन भैया इनकी भी उम्र है, ये कितने दिन तक बजेंगे? 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन बहुत होगा तो 7 दिन। अब वहां तो खूब लूट भी रहे हैं, दही भी उड़ाया जा रहा है, पानी की भी खूब बौछार हो रही है, तो ये तो सब फट जाएंगे इतनी देर में, कहां से बजेंगे? तो ढोल नगाड़े तो 6-7 दिन में सब फट पटा गए, लेकिन 6 महीना तक फिर क्या बजा? तो यहां पर कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं हमारे श्री वेदव्यास जी। वाद्यंत विचित्राणी, विचित्र विचित्र वाद्य बज रहे हैं। बोले कैसे विचित्र वाद्य? बोले एक तो होता है ताली बजाना, ताली तो बजी रही है, लेकिन बोले जिसको जो बजने वाली चीज मिल जाती है, कोई थाली बजा रहा है, कोई कांसे बजा रहा है, कोई दीवार बजा रहा है, कोई धरती पे मार रहा है, इस प्रकार सब लोग जिसके हाथ में जो पड़ रहा है उसी को बजा रहे हैं। कोई बिना बाल वाले बाबा दिख जाते, बिल्कुल चिकनी सर है, तो उसी के सिर पर ही तबला बजा रहे हैं, और वो उसको भी बुरा नहीं लग रहा है, वो भी करा, अरे बढ़िया से बजा ले, घुमुक तो दे ने, है ने जोड़ते ने पाउडर वाउडर लगा के ने दे कछु बढ़िया। सब आनंदित हो रहे हैं, कोई बढ़िया पेट वाला दिखे तो उसके पेट को ही बजा रहे हैं। इस प्रकार ब्रजवासी इतने आनंदित हैं, और जिसके अंग प्रत्यंगों पर हाथ वात मार रहे हैं वो भी नाच रहा है। बोले खूब बढ़िया बजाओ भैया। कहा भयो? बोले नंद के लाला भयो है, नंद घर आनंद भयो है। अरे भैया ऐसे लाला रोज ही होयो करें, इतने आनंद में भर गए हैं सब। ईगो जो होता है ना, भगवान जहां आएंगे वहां ईगो नहीं रहेगा, और जहां ईगो है वहां ठाकुर जी नहीं आ सकते। जहां पर देहाभिमान है, स्वाभिमान है, वहां ठाकुर जी नहीं आ सकते। जहां देह के अभिमान नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति को कोई अभिप्राय नहीं, कौन क्या कह रहा है, कैसी क्या सुध है, सब बस दीन होकर के आनंद निमग्न हो जाएं, समझो वही ठाकुर जी हैं। जहां पर ये विचार किया जाए, अरे ऐसे नहीं करना, अरे ये नहीं हो रहा है, अरे ये नो, तो ठीक है, थोड़ी विशिष्ट मर्यादाओं का तो ध्यान रखना है, लेकिन अतिशय देहाभिमान जहां होगा वहां ठाकुर जी उत्पन्न नहीं हो सकते, वहां हमारे लाल जी नहीं आ सकते। लाल जी तो वही आते हैं जहां देह का अभिमान त्याग दे व्यक्ति। और यहां ब्रजवासियों की स्थिति जिस प्रकार से वर्णन की जा रही है, अब देखो कल हम लुटा रहे थे यहां से, तो आदमी दूसरे के हाथ से भी छीन रहा था, बोले मेरा है। लेकिन ब्रजवासियों की स्थिति सुनेंगे आप,
नंद बाबा अटारी से लुटाते और जैसी लुटाते तो ब्रजवासी लूट करके और फिर पीछे लुटाते। मतलब यहां सब नंद बाबा बन गए, किसी को भी ये नहीं कि नंद बाबा लुटामे और हम भर लें, सबको ये लग रहा नंद बाबा जो लुटा रहे हैं वो भी हम पीछे लुटा दें। किसी ने भी एक भी वस्तु अपने पास नहीं रखी जो नंद बाबा ने लुटाई। हाँ प्रसाद रूप में कुछ कुछ स्वीकार किया, लेकिन ऐसा नहीं किसी ने अपने भंडार भर लिए हो, घर भर लिए हो, तिजोरियां भर ली हो, क्यों सोने चांदी हीरे जवाहरात सब लुटाए थे। तब बोलते हैं भैया तो फिर इतना सोना चांदी सब लुटा रहे थे और लूटने वाले भी लुटा रहे तो गया कहां। इतना सुंदर वर्णन है, रमा क्रीडन मभूम नृप। भगवान की दो पत्नी हैं, भूदेवी और श्रीदेवी। भूदेवी माने पृथ्वी, श्रीदेवी माने लक्ष्मी। जब भगवान का अवतरण हुआ ना, उनकी रूप माधुरी रूप की कांति देख करके श्रीदेवी को लालच हो गया और ईर्ष्या होने लगी। क्यों? बोले भैया इतने सुंदर ठाकुर जी का स्पर्श इस भूदेवी को मिलेगा, मुझको नहीं मिलेगा। तो श्रीदेवी ने जाकर के नंद बाबा के तहखाने भर दिए और नंद बाबा जब लुटामे तो सब ब्रजवासी भी लूट करके पीछे को लुटामे, तो लूट करके कहीं गया नहीं, वृंदावन की रज उसमें ही सोने चांदी हीरे जवाहरात सब मिल करके पूरी वृंदावन की रज में ही सिमट गए। मानो जब कृष्ण चलेंगे तो भूदेवी और श्रीदेवी दोनों को सुख प्राप्त होगा। रमा की नन मभुन रूप, कैसी स्थिति। कभी कभी स्थिति का दर्शन देखो बंधुओं, नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं प्रेम क्या, बोले बोलने वाला बता ना पाए, सुनने वाला समझ ना पाए, और जिस बात को बोलने वाला बता दे सुनने वाले समझ जाए वो सब कुछ है, प्रेम नहीं है। तो कृष्ण लीला ऐसी है, ना तो मैं उसको बता सकता हूं और ना आप समझ पाओगे। जैसे रसगुल्ला मीठा होता है, कितना भी कह लो जब तक खाओगे नहीं तब तक उसका आनंद आस्वादन उसका सुख मिलेगा नहीं। ऐसे ही ये नंदोत्सव है बंधुओं, ये साधारण नहीं है, ये सुनने के भाव से समझ आएगा ही नहीं। अद्भुत स्थिति है ब्रजवासियों की। यहां जो जो पुष्टि मार्गी लोग बैठे हैं जिन्होंने ब्रह्म संबंध लिया है उन सबको एक बात पता होगी, नहीं पता तो सुनो। नाथ द्वार में श्रीनाथ जी के जैसे जन्माष्टमी कल है, कल की जन्माष्टमी है, तो नाथ द्वार में भगवान की छठी आज पूजी जाएगी। कल जन्माष्टमी है, छठी पूजेंगे आज, जबकि छठी तो जन्माष्टमी के 6 दिन बाद पूजनी चाहिए। वो जन्माष्टमी से 1 दिन पहले छठी क्यों पूजते हैं, उसके विषय में वर्णन करते हैं कि भैया जब ठाकुर जी का जन्म हुआ, आप 6 दिन की बात कर रहे हो या 6 महीने, नहीं पता चली लोगों को कि कब निकल गए। इतना आनंद उत्सव मनाया कि लाला जब 1 वर्ष के हैं लगे तो बड़ी बूढ़ी माताओं ने यशोदा मैया से बोली, मैया इतनो आनंद उत्सव मनायो हम ब्रजवासी ने कि हम तो भूल ही गए कि लाला की छठी पूजनी है, और कल लाला 1 वर्ष को है बेवारो है, कल लाला हमारो 1 वर्ष को है जाएगा, अभी तक लाला की छठी नहीं पूजी। यशोदा मैया बोली, अरे कहां करें, आप लोगों ने याद ना दवाई मोकू, अब कहा करें। बोले एक काम करो आज ही पूज लो, कल लाला 1 वर्ष को है जाएगा वहां से पहले पूज जाएगी। तो इसलिए आज भी नाथ द्वार में छठी पूजी जाती है सप्तमी को, जन्माष्टमी से 1 दिन पहले, और छठी पूज के फिर जन्माष्टमी मनाते हैं। उसके पीछे कारण ये कि भैया ब्रजवासी छठी पूजना भूल गए ठाकुर जी की, इतना उत्सव मनाया। अब अपने मन में विचार करते रहो उत्सव कैसा मना होगा, कब दिन हो रही है, कब रात हो रही है, किसी ने भोजन किया कि नहीं, किसी ने जल पिया कि नहीं, कोई सोया कि नहीं, इसकी किसी को स्थिति नहीं पता। सब बस नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, झूम रहे हैं। यही कृष्ण प्रादुर्भाव जन्माष्टमी उत्सव है, जहां पर व्यक्ति यह भी भूल जाए अपनी देह की सुध, जहां पे याद रहे कि अरे मैंने तो भोजन ही नहीं किया, अरे अभी तो मैं सोया ही नहीं हूं, अभी तो मैंने जो है ये नहीं किया, मेरे ये नित्य कर्म रह गए, ये देह को मैंने ऐसा नहीं करवाया, मैंने क्रीम नहीं लगाई, पाउडर नहीं लगाया, श्रृंगार नहीं किया, तो समझो कि आप जन्माष्टमी कभी नहीं मना सकते।
जन्माष्टमी में तो बेसुध हो जाता है व्यक्ति, और जब बेसुध हो गए तब समझो कि अब जन्माष्टमी होगी। ऐसी अष्टमी का उत्सव पूरे वृंदावन में मनाया गया, गोकुल में मना रहे हैं। वर्णन आता है कि मैया ने कितने दिन तक तो ठाकुर जी दिखाए नहीं किसी को, क्यों? बोले जिस प्रकार बहुमूल्य रत्न को सब लोग छुपा करके रखते हैं, ऐसी यशोदा मैया लाला को छुपा करके बैठी है। अरे कहां तक कहें, नंद बाबा भी आते हैं ना, तो नंद बाबा को भी केवल थोड़ा सा दिखा के फिर छुपा लेती हैं। मेरी नीलमणि है, ये सदा मेरे पास ही रहेगी। सब ब्रजवासियों ने जाकर के शिकायत करी, बाबा मैया को नेक समझाओ, देखो लाला हमेशा सीने तो चिपकाए रखे, नेक हमें दिखा तो दे। तब नंद बाबा ने जाकर के कही, अरे यशोदा सब इंतजार कर रहे नेक लाला को मुखमंडल दिखा दे। इतने कहने पर भी यशोदा मैया ने अटारी पर चढ़कर के वस्त्र में से केवल लाला के चरण दिखाए, मुख तब भी नहीं दिखाया। और वह चरण को देख करके ही सब ब्रजवासी उन चरणों की ही बलैयां ले रहे हैं, उन चरणों पे ही आनंद कर रहे हैं। बोले जय हो, इतने प्यारे कोमल चरण हमारे लाला के। लाला तो फिर दिखे कछु दिना बाद जा करके, नहीं तो कछु दिना तक तो मैया ने मुख ही नहीं दिखाया लाला को। मेरो नीलमणि, मेरो नीलमणि, नीलमणि लेकर के घूमती है यशोदा मैया। अद्भुत आनंद हो रहा है वृंदावन में। सूरदास कह रहे हैं, यह धन धर्म हित पायो, यह धन धर्म हित नीके राख यशोदा मैया, नीके राख यशोदा मैया, नारायण घर आयो मैया, नारायण घर आयो मैया। बंधुओं, सूरदास जी तो यशोदा के लिए गा रहे हैं, लेकिन इस व्यासपीठ में बैठ के मैं आप सबके लिए गा रहा हूं। आप सब यशोदा हो, आप सबके घर में छोटे छोटे लाला विराज रहे हैं, छोटे छोटे ठाकुर जी विराज रहे हैं, सबके घर में सेवा है। अरे यशोदा मैयाओं, अरे नंद बाबाओं, अरे भिंडला सखियों, ये सब सखियां हैं सब। आज बंधुओं हम ऋषिकेश में नहीं है, आज तो हम वृंदावन में बैठे हैं, आज तो नंदगांव में बैठे हैं, और आज गंगा जी नहीं है, आज तो यमुना जी आई हैं। और आज यमुना जी ऐसा भाव मन में आ रहा था कि भैया देखो आज गोवर्धन उत्सव है ना, इंद्र को तो बरसना ही है, जब बरसेगा तभी तो गिरिराज जी उठाएंगे, तो आज देखो सुबह से ही बरस रहा है। और एक मन में भाव आ रहा था कि भैया सूर्य थोड़े से तप रहे थे दो दिन से, तो सूर्य ने जाकर के यमुना जी ने विनती करी होगी कि मां कथा चल रही है हमको भी पहुंचाओ, तो सूर्य ने जाकर के यमुना जी को तपाया, यमुना जी बाप बन के बादल बनी और आकर के आज ऋषिकेश में बरस रही हैं। आज लाल जी का मंगल उत्सव है ना, इसलिए यमुना जी ही बरस रही हैं आज, आज वर्षा नहीं हो रही है। आह, सूर्य तनिया है, सूर्य की पुत्री है यमुना, एक प्रकार से सूर्य नारायण हमारे लाला के ससुर जी हैं। कितने संबंध कहां कहां बना रखे हैं ठाकुर जी ने, अद्भुत आनंद। तो नीके राख यशोदा मैया, नीके राख यशोदा नारायण घर आयो मैया, नारायण घर आयो, यह धन धर्म हित पायो, यह धन धर्म हित पायो, जो धन पर्यो
क्षीर सागर में जो धन परो, क्षीर सागर में वेद हु पार न पायो मैया, वेद हु पार न पायो मैया, धर्म ही ते पायो मैया, धर्म ही ते पायो। सब आनंद निमग्न हो गए हैं। इतने में ही लाल जी 6 दिन के भये होंगे, बस कंस ने एक राक्षसी को भेजा जिसका नाम है पूतना। बहुत ध्यान से सुनना बंधु, पूतना ने रूप बदल लिया और कह दिया महाराज कंस को कि महाराज मुझे ये आज्ञा दीजिए, मैं जाती हूं, जितने भी बालकों ने ब्रजमंडल में जन्म लिया होगा सबको मार दूंगी। कंस ने कहा जाओ, तुम ही कुछ करामात करके दिखाओ। पूतना ने जितने बालकों ने जन्म लिया ब्रजमंडल में, घर में जा जा करके अब सुंदर बन के गई है ना। मानव का एक स्वभाव होता है बंधुओं, हम लोग रूप देख करके और वस्त्र देख करके व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं। यदि हमें दिख जाए कि सामने वाला सुंदर है और सुंदर नहीं भी है, वस्त्र बढ़िया पहने हैं, गहने वहने बढ़िया पहने हैं, तो हमको लगता है कि ये जरूर श्रेष्ठ ही होगा। यही हम गलती कर बैठते हैं। इसीलिए मैं कथा में कहा करता हूं, किसी का प्रभाव मत देखो, देखना है तो उसका स्वभाव देखो। यदि इस रूप पर ही आसक्त हो गए तो यही तो हुआ था मानस में। रामचरित्र में रावण रूप ही तो संत का धारण करके आया था, जिस पर सीता जी मोहित हो गई और संत मान करके उनको भिक्षा देने गई तो हरण हो गया। तो कहीं कोई रावण बनकर के तो नहीं बैठा हमारे सामने, बढ़िया सुंदर जो है 10,000 वाली गहने आदि पहन करके, लाखों के ज्वेलरियां पहन करके, सुंदर पैंट शर्ट पहन करके, बढ़िया महंगे वाले कोट पहन करके कोई हमें ठगने तो नहीं आया है। पूतना से हमको यही सीखना है, यही स्थिति है। पूतना रूप बदल करके गई, अति सुंदरी बन करके गई। जगह जगह जाकर के बालकों का वध कर रही है, पयोधर में विष लगा करके बालकों को पिलाती है, पीते ही बालक मर जाते हैं। सब जगह भ्रमण करती हुई जैसे ही गोकुल पहुंची, तो वर्णन आता है कि पूतना को कैसे पता चला कि यहीं पर भगवान होंगे, तो बोले इतना उत्सव मन रहा था गोकुल में कि बादलों के रंग बदल गए थे, हले हरे गुलाबी नीले बैगनी बादल दिखाई दिए पूतना को। बोले ये बड़े विचित्र बादल हैं। तब पता चला, बोले नीचे इतना अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा था, इतना उत्सव मनाया जा रहा था कि बादलों के भी रंग बदल गए। सोचो कितना उत्सव मना होगा। पूतना बोली हो ना हो, मेरे महाराज कंस के शत्रु ने जन्म यहीं लिया है। पहुंच गई पूतना, परम सुंदरी बनकर के गई थी पूतना, महंगे वाले वस्त्र, महंगे वाले गहने आदि पहन करके और सुंदर श्रृंगार करके इतनी सुंदर बन करके गई कि जैसे ही पूतना ने गोकुल में चरण रखा और एक एक पग आगे रख रही है, तो रूप तो उसका बहुत दूर की बात है, उसकी चाल से, उसके नूपुरों से आने वाली ध्वनि सुनकर के ब्रजवासी मोहित हो रहे थे। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की सब गा रहे थे, लेकिन जैसे छम 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 स्वर आवे, ब्रजवासी पीछे मुड़कर के एक बार देखें और एक बार देखें तो देखती ही रह जाए, इतनी सुंदर। ग्वाल बालों की स्थिति तो ये हो ही गई, अरे स्त्री थी तो ऐसा हम भाव रखें कि पुरुष उस पर मोहित हो गए, ऐसा नहीं। गोपियां भी पूतना के रूप पर मोहित, सब कहें अरे देखियो कितनी सुंदर, या कि रूप तो देखो, या कि नेत्र तो देखो, या कि चाल तो देखो, या कि नाक तो देखो, या के कान तो देखो, अरे या के गहने तो देखो, सब उस पर मोहित। गजगामिनी चाल, नेत्रों से कटाक्ष घुमाते हुए सबका मानो वध करती हुई चल रही है,
ग्वाल बालों को देख करके मुस्कुरा जाती है तो ग्वाल बाल दौड़ के अपनी मैया के पास जाए, मैया तेरी बहू मिल गई। और कहां है? बोले जी आ रही, देख कितनी सुंदर मैया के बहू तो सुंदर है, तेने अपनो मुंह देखो है, अपने आप पे तो देख ले मैया तेरे, तो मेरी सौगंध यही तो ब्याह करा मेरो, तो इतनी सुंदर। अब पूतना कर क्या रही है? सब लोग भगवान के कीर्तन भजन उत्सव में व्यस्त हैं, लेकिन सबको अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। मैं क्यों कहता हूं कथा में बार बार, किसी को मत देखो, किसी की तरफ ध्यान मत दे जाओ, सब मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो, क्योंकि कथा भजन सत्संग कीर्तन भगवत सेवा में यदि आपका ध्यान कहीं भटक रहा है तो जिसकी ओर आपका ध्यान जा रहा है वो पूतना है। भजन में बाधा बने, कथा में बाधा बने, सेवा में बाधा बने, भगवत प्रीति में बाधा जो भी बने, वो बाधा ही पूतना है। सबका मन अपनी ओर खींच लिया पूतना ने, सब उसके रूप माधुरी पर मोहित हो गए। पूतना ने चार गोपियों से जाकर के कहा, राम राम जी, अजी सुनो, ये नंद भवन कहां है? उसके स्वर सुन के गोपियों के मुंह खुले रह गए, आंख खुले रह गई और कुछ प्रत्युत्तर ही नहीं दे पाई। पूतना ने हिलाया, अरे आपसे पूछ रही हूं नंद भवन कहां है। अरे बहन, तुम्हारे मुख से स्वर है, कहीं तुम सरस्वती तो नहीं हो? इतने सुंदर स्वर, इतने मधुर भाव। ये दो यमलार्जुन के जो वृक्ष खड़े हैं ना, ये नंद भवन के ही आंगन में, चली जाओ। पूतना चली गई, सब मोहित हो गए पूतना पर। जैसे ही पूतना ने प्रवेश किया नंद भवन में, यशोदा मैया की गोद में लाला लेटे भए हैं, यशोदा मैया लाला को निहार रही है, लाला से एक क्षण के लिए भी नजर इधर उधर नहीं करती है। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया के सामने पूतना आई और आकर के पूतना ने शब्द कुछ कहा, यशोदा मैया ने नजर उठा करके देखा तो यशोदा मैया भी पूतना पर मोहित हो गई। और यशोदा मैया के भाव तो वर्णन करते हैं, यशोदा मैया सोचने लगी, अरे जड़ विधाता है तो तू जड़ ही क्यों? मेरो लाला 80 साल की उम्र में तेने दियो मोए, अरे ने कछु साल पहले दे देता तो यही ते ब्याह कराती, इतनी सुंदर बहू आ रही है सामने। अरे ओ विधाता ने कृपा कर दियो, ये जो सामने ते आ रही है ना, या की कोई छोरी हो तो बातें, अपने लाला को ब्याह करा दूंगी, इतनी सुंदर तो लाली ना होगी लेकिन कछु अंश भी होंगे तो भी मेरे लाला की लैया उचित रहेगी। ठाकुर जी गोद में लेटे लेटे कह रहे, मैया अभी रुक जा, तेरी बहू के अभी रूप तेरे सामने आवे, बड़ो मन मन बना रही है, या तो मेरो ब्याह है जा, रुक जा अभी पता चलेगी तो। यशोदा मैया ने की, कहो बहन कहां ते आई हो? अरे मैं पास के गांव ते आई हूं, मैं कहीं आऊं जाऊं तो हूं ना हूं, लेकिन आपके लाला के रूप के जगह जगह चर्चा सुनकर के मेरे मन में रहो नहीं गयो, मैंने सोची एक बार तो दर्शन करके आऊं। अरे हाँ आओ, तुम्हारो ही तो लाला है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारो ब्याह है गयो? बोले हाँ ब्याह तो है गयो। बालक बच्चे हैं ना? अभी तो ये सौभाग्य नहीं मिलो, जब भी हो और लाली हो तो मुझे जरूर बताइए। यशोदा मैया अपनो काम बना रही है। पूतना पर सब मोहित हो गए। कुछ गोपियां आई, यशोदा मैया से बोली, मैया बाहर जल्दी चलो, एक 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 कछु नियम करनो है लाला के सुख के लिए। यशोदा मैया बोली, अब लाला को कहां छोड़ के जाऊं? पूतना बोली, मुंह दे जाओ। तो वही रूप और उसके श्रृंगार पर यशोदा मैया को विश्वास हो गया कि ये गलत नहीं होगी, और अपने लाला उसकी गोद में पधरा दिए। जैसे ही गोद में ठाकुर जी दिए, यशोदा मैया गई। अब यहां पर विषय समझने वाला ये है, जिसके रूप पर सब मोहित हो गए उसके रूप पर ठाकुर जी मोहित नहीं। मोहित होना तो बहुत दूर की बात, ठाकुर जी ने अपने नेत्रों पर हाथ और रख लिए, छुपा और लिए, आंख बंद कर ली। अब इसके पीछे कई कारण बताते हैं कि पूतना इतनी बड़ी अभागी, भगवान के पास जाकर के भी भगवान के नेत्रों की अधिकारी नहीं बन पाई।
इसका सबसे विशिष्ट और सबसे श्रेष्ठ कारण जो मुझे समझ आता है, पता है क्या? क्योंकि पूतना ने भक्तों को भगवान के भजन से विमुख किया, पूतना ने सब लोगों को अपनी ओर आकृष्ट किया। सब बढ़िया भजन कर रहे थे, आनंद मना रहे थे, उत्सव कर रहे थे, लेकिन पूतना ने आकर के सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। ठाकुर जी इसलिए अपने नेत्रों पर हाथ धर के बैठे हैं, बोले भैया कितनों भी सुंदर हो, कितने भी बढ़िया कपड़ा पहने हो, कितने भी साज संजार करके क्यों नहीं आए हो, लेकिन यदि वैष्णवन को मेरे कथा, मेरे भाव, मेरे उत्सव से विमुख करावेगो तो मैं वाकू देखूंगा नहीं, वो मेरे नेत्रन को अधिकारी नहीं है। इसलिए भैया प्रार्थना आप सबसे और जो लोग लाइव देख रहे हैं उन लोगों से भी, हम भजन करें ये अच्छी बात है, लेकिन हमसे भजन नहीं हो रहा तो जो कर रहा है उसको करने दो, उसको छेड़ो मत, उसके उसके लिए बाधक मत बनो, उसके लिए विविधान मत बनो। क्योंकि यदि भजन करने वाले के भजन में आप विविधान बनोगे तो आप ही पूतना हो। और पूतना का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था, क्यों? क्योंकि भगवान को गोद में लेने के बाद भी भगवान के नेत्रों की अधिकारी नहीं बन पाई।